नमस्कार, जय जवान, जय किसान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खूब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने देखा होगा कि उदयपुर की जो घटना है वो बेहद ही निंदनीय हुई है। जो कन्हैया लाल जी हैं उनके साथ में जो हुई है, उनके परिवार के साथ में मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। और ऐसे दुख के मौके पर परमात्मा उनके परिवार को हिम्मत दे। और मैं बता दूं, मेरे उस पर एक भाई का कमेंट आ रहा था कि अभी आपने इस पर कुछ बोला नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं राजस्थान में ही थी, तो वहां पे जो है नेट की जो सुविधा है वो नहीं थी, तो इसलिए मैं अपना लाइव भी इस पर नहीं कर पाई, अपना वक्तव्य भी नहीं रख पाई हूँ। तो मेरा एक कहना है उन लोगों से जिन्होंने इन सब चीजों को बढ़ावा दिया है। नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था, पूरे देश ने उस बात की निंदा करी थी, देश के अच्छे पत्रकारों ने भी, और यहाँ तक कि जो सरकार है उसने भी निंदा करी थी कि, और पार्टी से निकाला भी था हमारी सरकार ने नुपुर शर्मा को, क्योंकि नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया था इसीलिए निकाला था। लेकिन ये कहां तक जायज है कि कन्हैया लाल जैसे केस हो जाए? ये भारत है बॉस, यहां पर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जगह नहीं है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो और जो आतंकवाद को आगे बढ़ाता हो या आतंकवादियों की बातों पे चलता हो। तो मेरा अनुरोध है उन लोगों से कि ये हमारा देश है, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ और सीधे सीधे बात कर रही हूँ उन लोगों की जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उदयपुर की जो घटना है उसको अंजाम दिया है। मुझे अच्छे से पता है कि भारत की जो मिट्टी है उसमें से जो है, उस मिट्टी पे हर एक हिंदू ने और एक मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने जन्म लिया है और सभी उस मिट्टी से प्यार करते हैं। लेकिन जो कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, इस तरह के लोग जो हैं, वो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या चार छह दस व्यक्ति उस चीज को कर करके पूरे के पूरे कौम, पूरी बरादरी, पूरा सबको बदनाम करने की कोशिश जो करते हैं, सीधा सीधा कार्रवाई की होती है। इस तरीके के जो लोग हैं उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। क्योंकि आज कन्हैया की बात है, आज कल फिर किसी और की बात होगी, तो ये यहाँ पर दंगे भड़काने का काम नहीं चलेगा। ये भारत है भाई, इसमें दिन रात हम जैसे लोग शांति की अपील करते हैं। किसान आंदोलन हुआ था, हमें लग रहा था कि हाँ भाई किसानों के साथ गलत हो रहा है, और भी किसानों को लग रहा था कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने ट्वीट करके नहीं बोला था कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। गांधी जी के नक्षत्रों पर चल करके शांति पूर्वक आंदोलन करा है, उसमें हमने, आप जैसों ने और भी लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान अपना दिया है, तो क्या आंदोलन सफल नहीं हुआ? सरकार ने बात मानी ना हमारी, शांति से बैठ करके हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो इसीलिए बात मानी गई। ऐसा नहीं भारत में तुम रहो, तुम्हें आजादी है अपनी बात रखने की, आजादी है तुम अनशन करो, तुम आंदोलन करो, अपनी बात को रखो, ऐसा तो नहीं है कि आपको आजादी नहीं है। तो इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया गया, देश की जो शांति है उसको भंग करने के लिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये अपने देश के लिए ठीक नहीं है। और इस तरीके के लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कन्हैया लाल जो है उनके साथ जो हुआ, उनके बेटे का मैं बयान देख रही थी, इतना वो कम उम्र का बच्चा और इतना मासूम सा, इतना ज्यादा उसको इस समय पीड़ित, उससे समय से गुजरना पड़ रहा है। तो मैं ये बोलूंगी उन लोगों से कि आप पूरे सभी लोगों को बदनाम कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बदनाम मत करिए। और मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बोलूंगी, मैं अपनों से भी बोलूंगी कि देश में शांति रहनी बहुत जरूरी है, और आप लोगों की तो इतनी बातों को सब लोग रखते हैं, दिखाते हैं, तो क्यों हम आपसे सवाल नहीं करेंगे ऐसे लोगों से? बिल्कुल करेंगे। और अब तक भी इस तरीके की जो चीजें हुई है, ये बिल्कुल जायज थोड़ी ना है। हमारे देश में कितनी ज्यादा इस समय भुखमरी का हो रहा, लोग नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इतने परेशान हैं, इतनी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और आप लोग इस तरीके की चीजें देश में फैला रहे हो। मेरा अनुरोध है सरकार से कि ऐसे लोगों की जांच पड़ताल करके उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमारे देश में इस तरीके की चीजें ना हो। हमारे देश की शांति को भंग करने वाले लोग हमारे अपने प्रेमी या हमारे देश के प्रेमी नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी हो। सीधा सवाल है, जब आप लोगों के पूरे उसको मैं सपोर्ट कर सकती हूँ अच्छी चीजों को, तो मैं गलत पे भी सीधा सवाल करूंगी। ये तो मैं जानती हूँ, आपको भी अच्छे से पता है कि मैं सवाल सीधे सीधे करूंगी, और करना भी बिल्कुल सीधे सीधे चाहिए। और बस यही बोलूंगी कि मैं जो माहौल इस समय है, मैं राजस्थान से ही आई हूँ, जो राजस्थान का जो माहौल है उसको बहुत ज्यादा
शांति का वो देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं वहां की सरकार से अनुरोध करूंगी कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि आज राजस्थान की बारी है, फिर कहीं कल को और करनी है ना हो, या कल को इस तरीके के लोग और ना हो जिनका जो ये बाद में जो वीडियो वायरल हो रहा है, इनका ऑडियो जो एक वायरल हो रहा है, इस तरीके के लोग ना हो। हमारे देश में भय का माहौल नहीं होना चाहिए। मेरी अनुरोध है सरकार से भी कि इस तरीके लोगों को ढूंढिए। जैसा अभी देखा आपने उनका टीवी पे दिखाया जा रहा था कि उनके पड़ोसी देश दुश्मन देशों से भी ताल्लुकात है, तो उन लोगों की कड़ी से कड़ी जांच पड़ताल सब कुछ होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि माहौल हमारे देश का खराब ना हो, है ना। हमारा हमारे देश में 2014 के बाद से ही नहीं, 2014 के बाद से इतनी चीजें हो रही है, कभी कहीं हो रही है, और इस तरीके का माहौल खराब होना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं उन लोगों को बोलूंगी कि हाँ बिल्कुल, अगर आप लोग गलत करते हैं या आपके साथ कोई गलत करता, अगर आप लोग गलत करते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आवाज उठाएंगे। जब नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था तो मैंने कानूनी कार्रवाई की आवाज उठाई थी, और आज भी मैं यही बोलूंगी कि इन व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कन्हैया लाल जी के साथ में हुआ, जिन्होंने ऐसा किया है, जरूर होनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। अभी तो यही बात है ना, अगर हम सच बोलते, सच बोलने वाले लोगों को दिक्कतें जो इतनी लोग महसूस करते हैं, इसीलिए तो करते हैं कि सच बोल दिया। मान लीजिए कोई सपोर्टर हो सकता है किसी का, या किसी का कोई विरोधी हो सकता है, मन भेद जो होते हैं ना वो नहीं होने चाहिए, सिर्फ मत भेद होने चाहिए। राजनीति या कोई भी विषय पर आप बात रखते हैं तो मुद्दों पे बात होनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए कि उसको इतनी बेरहमी से उनको मार दिया, उनके परिवार में आज इतना ऐसा माहौल है। एक भाई कमेंट कर रहा है कि नुपुर शर्मा के लिए भी कुछ बोल दो, मैंने तो बोला जो देश में कानूनी कार्रवाई होती है वो कीजिए, क्योंकि किसी भी उसको आहत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बोला। तो आज अगर ऐसा हुआ है कन्हैया लाल जी के साथ में, जिन लोगों ने ऐसा किया, तो मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए मजबूती से, माहौल खराब नहीं होना चाहिए प्रदेश का या हमारे देश का पूरे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग परेशान हो रहे, तुम जैसे लोगों की क्या, तुम तो खा लो पी लो मौज काट लो, जो आम पब्लिक है आम जनता उनसे पूछ के देखो ना कितनी दुखी है वो आम जनता। देखो लोगों के रोजगार नहीं है, इतनी गरीबी, इतनी परेशानी, इतनी स्थिति में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तुम लोगों को तो इन सब चीजों का बढ़ावा देने के सिवा कोई काम ही नहीं है। ये देश भारत है भाई, यहाँ पर ऐसा हुक्म नहीं चलता कि यहाँ पे कट्टरवाद या फिर यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ नहीं दिया जाएगा आतंकवाद को बढ़ावा। मेरी अनुरोध है सरकार से सख्त कार्रवाई करी जावे ऐसे लोगों पे जो हमारे देश की अखंडता और शांति को जो भंग करने में लगे हुए हैं। सभी आप अपना ध्यान रखें, सभी लोगों से मैं बोलूंगी, बहुत हमारा हम ही नहीं या आम जनता ही नहीं, इस समय पूरा देश ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा। थोड़ा अगर देश से प्यार मोहब्बत है तो देश में शांति बना करके रखे। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को जांच कर करके पकड़िए। मैं बार बार अपील करती हूँ सरकार से कि ऐसे लोगों को पकड़िए और उनको माहौल खराब करने मत दीजिए। हमारे देश का, हमारे देश की शांति भंग नहीं होनी चाहिए, और सभी को अपनी अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, सभी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, सभी को अपनी परेशानी को बताने का अधिकार है सरकार को। ये नहीं है कि आप बैठ करके वीडियो कर करके ट्वीट कर करके बोलते रहे हम परेशान है। आपने कोई मेहनत की थी? अगर इस तरीके की चीज आपको लगी, आपके साथ कोई गलत हुआ, कोई मेहनत आपने करी? नहीं करी। मेहनत कौन करेगा? तो सिर्फ तुम लोग सीधा इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देते हो, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं अगर सही के लिए आवाज उठा सकती हूँ तो मैं, अगर मेरे देश में इस तरीके की चीजें होंगी गलत, तो मैं उसके लिए भी बोलूंगी कि हाँ ये गलत है, देश के हित में बिल्कुल नहीं है, और सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और खासकर उन लोगों को समझ में आई होगी जो आराम से शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। ना उनका लड़ाई झगड़े से मतलब होता, ना उनका राजनीति से मतलब होता, ना उनका किसी आतंकवाद से मतलब होता, ना किसी सिस्टम से मतलब होता, और बेवजह के इस तरीके के लोग फंसते हैं। उनको जरूर पता होगा इस बात का कि मैंने कितना सही बात बोला है, और खूब ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों तक बात पहुंच सके कि जो सच है वो बोलना चाहिए।